मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सिंह, आज आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस में जो लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है ये चीज़ देखेंगे। जो लेट से वाक्य स्टार्ट होते हैं वह वाक्य या तो आदेशात्मक होते हैं या तो फिर रिक्वेस्ट किया जाता है, निवेदन या प्रार्थना की जाती है। तो ऐसे वाक्यों को क्या है कि लेट से प्रारंभ होता है, ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, स्पीच का वाक्य जो है वही लेट से स्टार्ट होता है। तो सेट या सेट टू को इसमें हम लोग सजेस्टेड में बदल लेते हैं या प्रपोज्ड, फिर या एडवाइस में बदलते हैं, सलाह भी इससे क्लियर होता है, या आर्डर में बदल लेते हैं, या फिर रिक्वेस्टेड में बदल लेते हैं। वाक्य भावानुसार अब अगर सुझाव है तो सजेस्टेड यूज करते हैं, और अगर प्रपोज्ड है प्रस्ताव, प्रस्ताव या सुझाव दोनों में से यूज कर लेते हैं किसी एक को। ये सलाह की भावना प्रकट होने पर यूज करेंगे, आदेश की भावना प्रकट होने पर हम लोग ये यूज करेंगे, फिर निवेदन या निवेदन यूज हो सकते हैं, प्रार्थना। और इसमें कई प्रकार के हैं। पहला पॉइंट है लेट अस से प्रारंभ होने वाला वाक्य, होने वाला अब लेटर्स से जब प्रारंभ होने वाला वाक्य होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स को चेंज कर लेते हैं दे शुड, दे या बी शुड, लेकिन दे वाला मोस्ट सुटेबल है, प्लस शुड। और मतलब लेटर्स को हटा देंगे और जो कंजक्शन होगी टू का, दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे इनडायरेक्ट है लेट अस टू राम सेड, राम सेड टू मी, नीचे कामा फिंगर कामा, लेट अस गो होम। इसमें जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी शेड या सेट टू, उसको चाहे सजेस्टेड में कर लो और चाहे प्रपोज्ड में, इसको चेंज करेंगे सजेस्टेड, सजेस्टेड में सुधार देना या बदलेंगे प्रपोज, दोनों में से किसी एक को यूज करते हैं। लेट अस गो होम, इसमें क्या होगा जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है सॉरी, इनडायरेक्ट जब बनेगा तो राम चाहे सजेस्टेड यूज कर लो चाहे प्रपोज, पी आर ओ परपोस्ट, पी ओ एस ई डी परपोस्ट मी, फिर कंजक्शन क्या लगेगा दैट, और लेट अस की जगह क्या यूज करेंगे दे शुड, बी शुड भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन दे शुड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दे शुड गो होम। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, डायरेक्ट का मोहन सेड लेट अस हैव ए कप ऑफ कॉफी, चाहे जो यूज कर लेंगे हम लोग गलत नहीं होगा। मोहन ने कहा, यहां कामा रहेगा, यहां इन्वर्टेड कामा, यहां भी इन्वर्टेड कामा, मोहन से, तो मोहन ने यहां सजेस्टेड किया, सुझाव दिया, प्रस्ताव, प्रस्ताव मोस्ट टेबल लगाया, मोहन चाहे आप सजेस्टेड भी यूज कर लेंगे गलत नहीं होगा, परपोस्ट फिर That, let us go, they should
क्योंकि ये वर्ब नहीं है, हैव ये कप ऑफ कॉफी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा रूल है, जब लेट से किसी को राजी करने या आज्ञा देने का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब ग्रुप को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, अगर राजी करना है तो रिक्वेस्टेड, आदेश दे रहा है वाक्य में तो ऑर्डर्ड में प्रयोग करेंगे। और इसमें केवल लेट से वाक्य स्टार्ट होगा, लेट के बाद अस नहीं होगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंजक्शन टू लगाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर लेट के बाद अस है तब तो हम लोग लेट अस को वाक्य के भावानुसार सजेस्टेड या प्रपोज में यूज करते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज। लेकिन अगर हमारी लेट से स्टार्ट हो रही है, किसी को राजी किया गया है या किसी ने आदेश दिया है, ये हिंदी अर्थ में दो, जैसे मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर, दो वाले अर्थ में लेट का प्रयोग होता है, लेट से प्रारंभ नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कंजक्शन टू लगेगा, किसके पहले लगेगा, ऑर्डर में बदल कर। जैसे आई सेड टू माय फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो, मैंने अपने मित्र से कहा मुझे काम करने दो, तो फिर वाक्य से क्या क्लियर हो रहा है, वाक्य से ये क्लियर हो रहा है कि आप निवेदन कर रहे हैं, भाई काम करना है तो आप निवेदन कर रहे हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, आई रिक्वेस्टेड, शेड टू किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में, माय फ्रेंड, प्रोनाउन चेंजिंग होगी यहां भी, फ्रेंड्स, फिर यहां टू लगेगा, फिर लेट, अब मी चेंज किया जाएगा, मी किसके अनुसार बदलेगा, आई, तो नो चेंज क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट ही मी होता है, मी वर्ब। फिर ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा लेट मी लेट द गेस्ट स्लीप, उसने मतलब पिता ने पुत्र से कहा कि जो आपके गेस्ट हैं मेहमान है उन्हें सोने दो, तो यहां आदेश है, तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट जब बनेगा तो ही सेड टू हिज सन, ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा, ही ऑर्डर्ड हिज सन टू लेट द गेस्ट स्लीप। अगली तीसरी पॉइंट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब शाउटेड हो तो इसको नहीं बोलते हैं, शाउटेड हो तो ज्यों का क्यों लिखते हैं, ज्यों का क्यों लिखते हैं, जैसे ही शाउटेड, वो चिल्लाया, लेट मी गो दियर डायरेक्ट है, लेट मी गो दियर, मुझे वहां जाने दो, क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट बोलेगा, टू लगेगा, ही शाउटेड टू लेट मी बदलेगा, ही कर साधिन हो जाएगा, लेट हिम क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गो दियर। इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम है, यदि लेट से इच्छा प्रकट हो, यदि लेट से इच्छा प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को डिसाइड में बदल लेते हैं, डिसाइड, डिसाइड में बदल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है डायरेक्ट का, द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा लेट मी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट मी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। मुझे पानी, एक ग्लास पानी चाहिए, उसकी इच्छा है,
यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ केवल हम लोग इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे बेटा, द ओल्ड मैन डिसाइड, तो लेट मी बदलेगा हिम, लेट हिम हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य ग्रुप में भी भेज देना ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।